If you see in this scenario, what we are going to do is we have again the similar thing, right? We have our existing code available from the previous project, right? And we have the new project which is kind of similar way, right? So again, let's say we're gonna add this existing repository to a new repository, right? So what exactly you need to do is, so let's say I will create one repository here again. Right, click on new, give it a name, let's say test underscore project one. Right, and I'm not going to initialize this at this moment again, and will click on create repository. Right, as I know, I already have my existing repository with me, right? So this is my existing repository, so I will go ahead and open it in git bash. Let's say right click here, do git bash here. So you see guys, I am in the existing in this repository now, right? But first you will need to see the origin of this repository, from कि इसका ओरिजिन देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, राइट? इसका रिमोट पाथ क्या है? हाउ यू कैन सी दैट? आप देख सकते हो गेट रिमोट हाइफन वी, ठीक है? तो आपको बता रहा है कि जो इसका रिमोट पाथ है वो क्या है, इस नाम से पड़ी हुई है, github.com के अंदर, शेखर शर्मा यूजर के अंदर, ठीक है, पाइथॉन अंडरस्कोर एच डॉट गिट नाम से पड़ी हुई है, राइट? सो दीज आर दी रिमोट ऑरिजिन. बट नाउ गाइज, वट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इस रेपोजिटरी का जो हमारे पास कोड एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है, वी आर गोइंग टू एड इट विद द रिमोट रेपोजिटरी, राइट? फॉर दिस वट यू विल नीड टू डू, यू विल नीड टू डू गिट रिमोट और एड ऑरिजिन. इफ यू सी, स्टेप्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर, राइट? इफ यू डू दिस सिंपली, राइट, गिट रिमोट एड ऑरिजिन एंड योर रिपोजिटरी, यू मोस्ट प्रोबेबली विल गेट एरर, बिकॉज इट सेज कि रिमोट ऑरिजिन पहले से ही यहाँ पे पड़े हुए हैं. फॉर दैट आपको जो भी एग्जिस्टिंग ऑरिजिन्स हैं, मीन्स जो आपके ऑरिजिन आपको दिखाई दे रहे हैं, यूल हैव टू डिलीट देम, राइट? फॉर रिमूविंग दी एग्जिस्टिंग वन आपको क्या करना होगा, गेट रिमोट आर एम एंड ऑरिजिन, राइट? सो व्हाट इट विल डू इज, जो भी आपके ऑरिजन्स हैं, रिमोट ऑरिजन्स हैं, दोज विल बी रिमूव्ड, राइट? नाउ लेट्स सी इफ दिस एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी के पास कोई रिमोट ऑरिजन है या नहीं है. सो रिमोट हाइफन वी, सो देर इज नो ऑरिजन एट दिस मोमेंट हियर, राइट? सो द नेक्स्ट, नाउ यू आर गुड टू रन दिस कमांड, गेट रिमोट एड ऑरिजिन दिस. तो जो मेरी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है, मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, एक रिमोट ऑरिजिन ऐड कर रहा हूँ. सो हिट एंटर, डी सी नाउ, इफ यू ट्राई विद गिट रिमोट हाइफन वी, यू विल सी इट हैज अ न्यू ऑरिजिन नाउ, राइट? यू गेट द कमांड फ्रॉम हियर. नाउ द टाइम फॉर यू इज जस्ट पुश इट, गेट, यू कैन डू गेट पुश ओनली और गेट पुश ऑरिजिन मास्टर, राइट? सो नाउ दिस इज गोइंग टू पुश दिस लोकल रेपोजिटरी दैट यू हैव टू योर रिमोट रेपोजिटरी. नाउ नाउ इफ यू गो अहेड एंड सी हियर, तो आपको जो भी कोड आपका आपके नीचे एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी में पड़ा था, तो आपने उसको एक नई रेपोजिटरी में डाल दिया.